पहला मैच वॉश आउट होने के बाद बात करने जा रहे हैं हम ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी पर भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की जो रविवार को ट्रिनिडेड में खेला जाएगा। चलिए दीप दास गुप्ता के विचार हम सुनते हैं। और दीप, सबसे पहले तो मैं इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में बात करूंगा और आपको दाद देनी पड़ेगी किस तरह कितनी सूझबूझ के साथ आपने विराट कोहली के मन में झांक कर वो प्लेइंग 11 पहले ओडीआई के लिए ऑलमोस्ट 11 आउट ऑफ 11 परफेक्टली प्रिडिक्ट किया था। खाली एक जो चेंज थी भारत की सोच में और आपकी सोच में वो ये थी कि कुलदीप यादव को प्रेफर किया गया युजवेंद्र चहल के आगे, वरना श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन, केदार जाधव, खलील अहमद, सबके सब सिलेक्शन में आप बिल्कुल टीम इंडिया को की सोच को आप समझ पाए। तो अब तो यही लग रहा है कि एक मैच के बाद टीम तो वही की वही रहेगी, लेकिन कुलदीप यादव का सिलेक्शन चहल से आके आगे, जबकि वर्ल्ड कप के आखिरी स्टेज पे चहल का सिलेक्शन किया था कुलदीप के आगे, इससे क्या क्या समझ में आता है आपको? देखिए, समझ में ये आ रहा है कि थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछला जो 6-8 महीने रहा है वो कुछ खास रहा नहीं है कुलदीप के लिए। तो वो भी बहुत जरूरी है कि कुलदीप का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर लेके जाए, और वहीं पे मेरे ख्याल से एक अच्छी रणनीति यहाँ पे कुलदीप को खिलाने की, क्योंकि अगर आप ये भी देखें कि कुलदीप ने जो स्ट्रगल किया है पिछले 6-8 महीने में या लगभग साल कह लीजिए, तो वो खासकर एक टीम के विरुद्ध जो कि इंग्लैंड टीम रहा है। पिछले आप बायलैटरल सीरीज ले ले, पिछले समर इस विश्व कप में भी जो एक मैच था जहाँ पे खासकर उन्होंने स्ट्रगल किया वो इंग्लैंड के विरुद्ध था, और IPL में भी जी हाँ स्ट्रगल जरूर किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये मैं कहूंगा कि अच्छी रणनीति है टीम मैनेजमेंट से कि आप इस इन बल्लेबाजों के खिलाफ जो कि मुझे नहीं लगता स्पिन के विरुद्ध उतने सक्षम है, उनके खिलाफ कुलदीप को खिलाएं और उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े। आपने कॉन्फिडेंस की बात की और दो ही ओवर डाले कुलदीप यादव ने उस मैच में और फिर बारिश भी आ गई, लेकिन जिस तरह की दो ओवर डाले, जिस तरह की पहली गेंद उन्होंने डाली और एविन लुइस को बीट किया, अगर इस तरह की टर्न हमें देखने को मिलेगी ट्रिनिडेड में भी तो ये शायद कुलदीप यादव के पक्ष में ही खेलेगा कि अच्छी पिचेस उनको मिले और बायात के काफी बल्लेबाज भी है, तो शायद कुलदीप यादव के लिए एक अच्छा सीरीज निकल जाए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अगर टर्न है, मदद है, तो वो जरूर फायदेमंद रहेगा कुलदीप के लिए। और ये जो दो ओवर उन्होंने डाले और जिस तरीके से गेंदबाजी की, उससे थोड़ा सा जरूर मनोबल और बढ़ेगा उनका कुलदीप का। और साथ में देखिए, सिर्फ उन्हीं का नहीं है, जडेजा के लिए भी बहुत अहम सीरीज रहेगा बतौर ऑलराउंडर, बतौर प्रॉपर ऑलराउंडर। ऐसा नहीं कि जो गेंदबाज है और थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीनों में, या अगर आप देख लें टेस्ट मैच को भी अगर आप साथ में जोड़ लें, तो पिछले 8-9 महीनों में ये दिखा दिया जडेजा ने कि अब वो बतौर ऑलराउंडर जो है आप उनको देख सकते हैं, 6 पे 5 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये स्पिनर्स के लिए, चाहे वो कुलदीप हो या जडेजा हो, मेरे ख्याल से बहुत अहम रहेगा। और चलिए अगर आगे जाके हम कुलदीप यादव के उस इकलौते विकेट की बात करें जो पहले ओडीआई में उन्होंने निकाला, वो था क्रिस गेल का। और क्रिस गेल के बारे में दीप काफ़ी चर्चा रहेगी कि कब तक खिलाना चाहिए क्रिस गेल को, जो अपने रिटायरमेंट से ऑलरेडी एक यू टर्न मार चुके हैं और उम्र भी उनकी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अगर उनके आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो अपना 300वां ODI खेलने जा रहे हैं क्रिस गेल, यूनिवर्स बॉस जो खुद को उन्होंने ये टाइटल दिया रखा है। और अगर हम उनके आंकड़ों के एक नज़र डालें कि वेस्ट इंडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, शायद इस रिकॉर्ड के पीछे है, एक आंख इस रिकॉर्ड के पीछे, शायद यही मोटिवेशन रहा है क्रिस गेल का कि भाई ब्रायन लारा का रिकॉर्ड वो तोड़ दे और वेस्ट इंडीज के लिए सर्वाधिक रन स्कोरर बन जाए ODI क्रिकेट में। तो उम्मीद है कि अगर 6 ही रन है तो बना ही देंगे, लेकिन क्रिस गेल के भविष्य में अगर आपको लिखनी होगी इनकी स्टोरी तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, ग्रेट्स तो हैं, वाइड बॉल क्रिकेट में वन ऑफ द ग्रेट्स हैं, उसमें कोई शक नहीं है। 10,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं और वो रिकॉर्ड भी किसका पीछा कर रहे हैं, ब्रायन लारा का, वो भी 6 रन पीछे हैं। तो देखिए, बट ये ऐसा है ना कि पिछले 1-2 साल में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वो देख के थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अब लोग याद रखते हैं जो आखिरी के 1-2 साल जिस तरीके से कोई भी खिलाड़ी खेलता है, उसके पहले जो हुआ है, उसके पहले जो उस खिलाड़ी ने किया, उसको अमूमन लोग थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि काफी हद तक थोड़ा सा अनफेयर भी जरूर आप कह सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बुरा लगता है कि थोड़ा सा बुरा ये लगता है कि क्रिस गेल पिछले 1-2 साल में वो आधे क्रिस गेल दिखे हैं जो जिसकी हमें आदत है, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को कह लीजिए या लोगों ने उनको कह लीजिए जो यूनिवर्स बॉस का खिताब दे रखा है। और जिस तरह की पारी भी खेलते हैं, जो अप्रोच उनका रहता है, पहले मैच में 31 गेंदों में 4 रन बना चुके हैं, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि अपना समय लेना पसंद करते हैं क्रिस गेल, लेकिन क्या ये वेस्ट इंडीज की टीम के लिए, क्या ये उनके ओवरऑल अप्रोच के लिए शुरुआत में उन बाकी बल्लेबाजों पर दबाव डालता है? देखिए, बाकी बल्लेबाज ऐसे हैं कि सभी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, तो मुझे
थोड़ा सा उल्टा लगता है मुझे कभी कभार, ये लगता है कि थोड़ा ज्यादा दबाव में इसलिए है कि थोड़ा सा डीप खेलना चाहते हैं, थोड़ा सा जो लंबी पारी खेलना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उस बैटिंग ऑर्डर को देखें तो युवा कुछ हैं जो अभी तक उतने बड़े पारियां नहीं खेली उन लोगों ने, और जो पीछे की तरफ जो बिग हिटर्स हैं उनमें भी शायद वैसी क्षमता नहीं दिखती कि बड़ी पारियां खेले, 100-125 रन बनाए, 80-90 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं ये टॉप एक दो बल्लेबाजों में, खासकर क्रिस गेल, क्योंकि इतना इतना क्षमता है और इतना कुछ कर चुके हैं इसके पहले, शायद वो दूसरी तरीके से आप दबाव कह सकते हैं कि वो लंबी पारी खेले, क्योंकि बहुत कम ऐसे बल्लेबाज दिखते हैं जिनमें वो क्षमता है। तो आखिरकार दीप, एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मैं पूछूंगा आपसे दोनों टीमों की तरफ से। देखिए, जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वो तो रहेंगे, जैसे विराट, रोहित हो गए, लेकिन भारतीय नजरिए से एक शख्स के ऊपर नजर जरूर रहेगी, वो है श्रेयस अय्यर। उम्मीद ये करते हैं कि टीम में कोई बदलाव ना हो, 4 नंबर पे वो बैटिंग करेंगे और बैटिंग करने का मौका भी मिलेगा उनको, क्योंकि ये जो 4 नंबर वाला मसला रहा है ये काफी दिनों से रहा है, ये एक इशू रहा है भारतीय दल के साथ, और मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर एक अच्छे विकल्प हैं, तो मेरी नजर जरूर उनके ऊपर होगी, उनके प्रदर्शन के ऊपर। और वेस्ट इंडीज के नजरिए से शे होप, क्योंकि शे होप का अगर प्रदर्शन आप देखें पिछले एक साल में बहुत अच्छा रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि बहुत कम ऐसे बल्लेबाज है जो लंबी और बड़ी पारियां खेल सकते हैं, तो एक बल्लेबाज जरूर है वेस्ट इंडीज दल में, वो है शे होप, और उनके पास वो क्षमता है कि वो इनिंग्स को पकड़ के रख सकते हैं, उनके इर्द गिर्द जो दूसरे बल्लेबाज हैं वो खेल सकते हैं, तो जरूर उनके ऊपर दारोमदार रहेगा और नजर उनके ऊपर भी होंगी मेरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीप, आगे जाके बात जरूर करेंगे इस ओडीआई सीरीज के बारे में। दूसरा मुकाबला भारत और वेस्ट इंडीज के बीच रविवार को पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडैड में खेला जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।